हे गाइस, दिस इज़ वैभव अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डेलॉइट सैलरी स्ट्रक्चर और एवरेज सैलरी के बारे में। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा और फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको सारे रोल्स और जो जो भी पोजिशन हैं, डेजिग्नेशन हैं डेलॉइट में, उन सभी के बारे में आपको एक एवरेज सैलरी, आपको एक आइडिया दे दूँगा कि और अगर आप इस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पर हैं, इस पर्टिकुलर रोल से में अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपकी सैलरी या फिर आपका पैकेज कितना होगा। ओके फ्रेंड्स, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा आप देख सकते हैं स्लाइड के ऊपर लिखा हुआ है अबाउट डेलॉइट सैलरी ऑन पे स्किल डॉट कॉम। तो ये वाली जो मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगाया हुआ है वो पे स्किल डॉट कॉम का है, और जिसमें आप देख सकते हैं कि एवरेज सैलरी जो लिखी हुई है 849K पर ईयर, दैट इज 8.49 लाख पर एनम। तो मतलब 8.5 लाख रुपये पर एनम का आपका जो एवरेज पैकेज है वो होता है डेलॉइट में। मतलब एवरेज अगर आप सोचेंगे कि अरे यार, मैं तो 4 के ऊपर मैंने ज्वाइन किया है, मैंने 4.5 या फिर 5 पर ज्वाइन किया है, किसी का 25 भी होता है राइट, किसी का 30 लाख भी होता है, किसी का 12, तो एवरेज जो निकाला गया है एंड दैट विल बी अराउंड 8.5 LPA राइट। और जो बोनस है वो 91,000 एवरेज बोनस जो निकल कर आया है। और रिव्यूज़ की अगर आप ओवरऑल रिव्यूज़ की बात करें डेलॉइट में, एंड दैट इज़ 3.6, और अकॉर्डिंग टू मी 3.6 रेटिंग बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप किसी भी कंपनी में रेटिंग अगर आप 3.5 से ऊपर, 3.5 से ऊपर देख रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी दैट इज़ वेरी गुड कंपनी इन एवरी एवरी फील्ड। कैटेगरी वाइज अगर आप देखेंगे लाइक जॉब सिक्योरिटी कैसी है, वर्क कल्चर कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, हाइक कैसे हैं, जॉब सिक्योरिटी कैसी है, सब कुछ अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल अगर आपका 3.5 के ऊपर है देन डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड कंपनी। ओके फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर एवरेज सैलरीज की बात करें डेलॉइट में, तो यहाँ पर आप पॉपुलर रोल्स देख सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर रोल्स हैं डेलॉइट में, दैट इज़ दी कंसल्टेंट, और उनका पैकेज होता है 8.5 पर एनम। एंड अगर वहीं सीनियर कंसल्टेंट की बात करें तो उनका 15.5 के आसपास पैकेज होता है। अगर आप एक मोटा आइडिया लेना चाहते हैं तो 15 लाख रुपये आप पर एनम समझ सकते हैं सीनियर कंसल्टेंट का, और कंसल्टेंट का 8.5 लाख। और वहीं फ्रेंड्स डिप्टी मैनेजर की बात करें तो दैट विल बी अराउंड 11.5 LPA। तो ये पॉपुलर रोल्स थे डेलॉइट के जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अपन आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, एवरेज सैलरी यहाँ पर और बात करते हैं अपन। मैनेजमेंट में भी कुछ रोल्स होते हैं जैसे कि कंसल्टेंट, असिस्टेंट मैनेजर और सीनियर कंसल्टेंट। तो मैनेजमेंट पोस्ट पर जो होता है, मैनेजमेंट रोल्स में जो होता है, तो उनकी डेजिग्नेशन कंसल्टेंट, असिस्टेंट कंसल्टेंट और सीनियर कंसल्टेंट होती है। और अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट जो लिए हैं वो मैंने इंडीड और कुछ मैंने यहाँ पर PayScale.com और वहाँ पर ग्लास डोर है वहाँ से निकाले हुए हैं। और कंसल्टेंट की बात करें तो कंसल्टेंट का पैकेज 8.5 के आसपास होता है, वहीं असिस्टेंट मैनेजर का 9 के आसपास होता है, और सीनियर कंसल्टेंट जो मैं आपको बताऊँ मैनेजमेंट रोल्स के लिए होता है वो 15 के आसपास होता है, और जो पॉपुलर रोल्स में भी था वो भी इतना ही था। ओके फ्रेंड्स, मूविंग आइट फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पर अकाउंटिंग में भी कुछ रोल्स होते हैं, अकाउंटिंग रोल्स में भी कुछ डेजिग्नेशन होते हैं सॉरी फ्रेंड्स। तो दैट इज टैक्स कंसल्टेंट, सीनियर टैक्स कंसल्टेंट एंड सीनियर ऑडिटर। तो टैक्स कंसल्टेंट की जो एवरेज सैलरी होती है दैट विल बी अराउंड 4 LPA, एंड सीनियर टैक्स कंसल्टेंट की होती है दैट इज अराउंड 6 LPA, और वहीं सीनियर ऑडिटर की बात करेंगे अपन तो दैट विल बी अराउंड 6.5 LPA। फ्रेंड्स, एवरेज सैलरी डेलॉइट की बात करें यहाँ पर कुछ, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी जो कुछ रोल्स होते हैं उनकी बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर में अगर आप देखेंगे तो दैट विल बी अराउंड 5 LPA, और वी कैन से 4.9 और 4.8। एंड फ्रेंड्स, फॉर .NET डेवलपर अगर अपन देखेंगे तो 7.5 LPA, और डेवलपर्स करके एक डेजिग्नेशन है उसमें है 4.4 LPA। सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट की बात करेंगे दैन इट विल बी अराउंड 8.5 LPA, एंड फुल स्टैक डेवलपर इट विल बी अराउंड 8 LPA। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, और मैंने यहाँ पर आपको डेलॉइट के हर एक डिजिग्नेशन, हर एक पोजीशंस के लिए, रोल्स के लिए आपको यहाँ पर सैलरी पैकेज आपको बता दिया है कि आपका पैकेज कितना होगा, और उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी इनहैंड सैलरी कितनी होगी। और इस हिसाब से भी आप ले सकते हैं, सपोज आप किसी और कंपनी में काम कर रहे हो, डेलॉइट में अगर आप स्विच करना चाहते हो सपोज एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर फुल स्टैक डेवलपर, तो थोड़ा आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यार मिनिमम तो मुझे इतना मिल ही जाना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ दी एवरेज सैलरी। तो एवरेज सैलरी का फ्रेंड्स मतलब ये होता है कि इससे कम भी आपको मिल सकता है और इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये आपको इतना ही देगी कंपनी, इससे ज़्यादा नहीं देगी, ठीक है, और बाय डिफॉल्ट वो इतना देगी। अगर आप कम एक्सपेक्ट करोगे कंपनी से तो वो कम ही देगी डेफिनेटली, और अगर आप ज़्यादा मांगोगे तो डेफिनेटली वो ज़्यादा दे सकती है। लेकिन दिस इज़ दी एवरेज सैलरी जो मैंने आपको हर एक डिजिग्नेशन, हर एक रोल्स के लिए यहाँ पर आपको बताया। एक बार मैं और गो थ्रू आपको कर दे रहा हूँ सारी स्लाइड्स के थ्रू, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्प मिली होगी, और अगर आपको ये वीडियो फ्रेंड्स यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।